सर, आपने पढ़ा और सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से धमकी मिली, वहाँ से धमकी मिली। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी किसी सिरफिरे या किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति ने नहीं दी, बल्कि एक ऐसी सियासी पार्टी के नेता ने दी है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। नेताओं ने साफ लहजे में और खुलेआम जनता से कह दिया कि अगर देश को संविधान को बचवाना है मोदी की हत्या जरूरी है। नेताजी इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी पर FIR दर्ज हो गई है। दरअसल नेताजी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, इनका नाम राजा पटेरिया है। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदा साहब कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है। कांग्रेस के नेता राजा पटेलिया जी के द्वारा एक जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ IPC की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया।